Okay, students, welcome back to Learners Academy. The next topic in your chapter circles this year is perpendicular from the center to a chord. जो जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा था and equidistance, two equal chords होंगी तो सेंटर से बराबर की दूरी में, वो इससे नेक्स्ट टॉपिक है. उससे पहले ये टॉपिक है 10.4 में होगा, वो 10.3 का टॉपिक है perpendicular from the center to a chord. दो टॉपिक्स हैं एक्चुअली इसमें, एक तो ये टॉपिक और एक सर्कल पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स जो होता है वो यूनिक सर्कल बनता है, उसके बारे में बताएंगे ना. ये दो पॉइंट्स हमारे 10.4 कवर कर रही है और 10.3 कवर कर रही है. तो देखो टॉपिक का नाम क्या है, सब लोग हेडिंग मार्क करो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड. परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड. लेट मी ऑल्सो मार्क द हेडिंग. टॉपिक का नाम है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर है ना, टू ए कोड. परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड. टू ए कोड. नोट कर लिया सभी ने? यस सर. चलो पहले देसी भाषा और फिर मैथमेटिक्स की भाषा. देखो लेटेस्ट से मेरे पास एक सर्कल है, उसमें मैंने एक कोड बना दिया, ठीक है. सेंटर भी है, ओ कोड है, ए बी. तो अब इस सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर टू द कोड, मैं क्या कर रहा हूं, एक परपेंडिकुलर लाइन बना रहा हूं. क्या बना रहा हूं, एक परपेंडिकुलर From the center to the code, from the center to the code, मैंने एक perpendicular line बनाई, बना दी. ये इसके perpendicular, let us say कि इसका intersection हो रहा है M पे, तो OM मैंने बना दी perpendicular to AB, ठीक है. तो जैसे ही मैंने ये perpendicular line बनाई AB पर, तो हमको जो सीखना है वो क्या सीखना है, हमको ये सीखना है कि ये जो perpendicular है ये इस code का क्या हाल करती है. जब सेंटर से परपेंडिकुलर बनाते हैं किसी कोड पे, तो वो उस कोड का क्या हाल करती है, कोई बता सकता है? बाइसेक्शन. उस कोड को आधा आधा पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, दो बराबर हिस्सों में तोड़ देती है, ठीक है. दैट मींस जैसे मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो ए एम और बी एम दोनों हिस्से बराबर माने जाएंगे, ठीक है. कहीं भी बना लो, ऐसे नहीं कि सर आपने सीधी कोड बनाई, लो मैं टेढ़ी कोड बना देता हूं. अब इस कोड पे भी जब आप परपेंडिकुलर बनाएंगे, परपेंडिकुलर में 90 डिग्री में इंटरसेक्शन कराएंगे, तो ये दोनों हिस्से आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे. समझ आया सभी को? बस यही है इस टॉपिक के अंदर, इतना ही हमको ध्यान रखना है. समझ आया सर? इसको प्रूव भी कर सकते हैं क्या? इसको प्रूव भी कर सकते हैं क्या? हाँ, इसको प्रूव करेंगे ना. पहले तो बताओ थ्योरम समझ में आई क्या? प्रूव करेंगे अभी. बिल्कुल बोलो, समझ में आई थ्योरम? यस सर. सभी को? जानवी समझ में आई? यस सर. कि जब मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो क्या करेगा, वो कोड को आधा कर देगा, ठीक है? यस सर. और अगर परपेंडिकुलर नहीं बनाऊंगा, सपोज करो सेंटर से मैंने ऐसी एक लाइन खींच दी 60 डिग्री पे, तो ये आधा नहीं करेगा. देखो ये हिस्सा कम लग रहा है, ये हिस्सा ज्यादा लग रहा है ना, छोटा बड़ा हिस्सा होगा. जब 90 डिग्री बनाओगे तो ही वो एग्जैक्टली हाफ करेगा उसको, ठीक है. तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं थ्योरम क्या कहती है ना, या थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, थ्योरम स्टेटमेंट क्या है. आपकी बुक में भी लिखा हुआ होगा. देखो थ्योरम स्टेटमेंट कहती है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन The perpendicular drawn from the center of a circle, from the center of a circle
टू एनी कोड ऑफ द सर्कल, किसी भी एक कोड पर, टू एनी कोड ऑफ द सर्किल बाइसेक्ट्स द कोड. आधे आधे करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाइसेक्ट करना, या मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहेंगे? बाइसेक्ट करना. बाइसेक्ट्स द कोड. हो गया स्टेटमेंट कंप्लीट? लिख लिया सबने? कई बार आधे नंबर में केवल थ्योरम का स्टेटमेंट पूछता है कि चलो वो वाली थ्योरम बता दो बस, आपको बस बतानी है, प्रूव नहीं करनी है. बता दिया आपने? यस सर. ठीक है, तो बता दी तो उसका थोड़ा सा, इसको थोड़ा चित्रित कर दीजिए, इलस्ट्रेट कर दीजिए. तो क्या करते हैं हम, एक सर्कल बनाते हैं, बिकॉज बिना चित्र के कुछ समझ आता नहीं है. लेट से दिस बी द सर्किल, और लेट से दिस इज द कोड, और सेंटर से बना दो परपेंडिकुलर. लेट से दिस इज द सेंटर. ठीक है, तो मार्क कर देते हैं. ये तो हो गया सेंटर ओ, ये हो गई कोड ए बी, कोड ए बी, और जहां पे परपेंडिकुलर बन रहा है लेट इट बी पॉइंट एम. ठीक है, अब क्या कहता है ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट ऐसे कहता है कि अगर अगर ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के, तो इस चीज से क्या रिजल्ट निकलेगा? देन द रिजल्ट विल बी दैट कि ए एम बराबर होगा बी एम के, और दोनों बराबर होंगे हाफ ए बी के. समझ आया? आया समझ सर? एक बार और बताइए. एक बार और समझाया. देखो, एक सर्किल है मेरे पास जिसकी एक कोड है, दिस बी द कोड, और सेंटर तो है ही. अब सेंटर से मैंने इस कोड को मिलाना शुरू कर दिया. मैंने ऐसे भी मिलाया, मैंने ऐसे भी मिलाया, मैंने ऐसे भी मिलाया, अलग अलग तरीके से मिलाना शुरू कर दिया. तो सपोज करो मैंने ऐसे मिलाया, तो जहां पे इंटरसेक्शन हुआ उसने इस कोड को दो हिस्सों में तोड़ा, लेकिन वो दो हिस्से छोटे बड़े हैं. जब मैंने उसको और किसी एंगल पे मिलाया, मान लो 75 डिग्री पे मिलाया, अभी भी जो इंटरसेक्शन हो रहा है, अभी भी जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो इंटरसेक्शन बीचों बीच नहीं हो रहा है, ये हिस्सा छोटा ये हिस्सा. लेकिन जब मैं 90 डिग्री पे इसको इससे मिलाता हूँ, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तब वो इंटरसेक्शन बिल्कुल इस कोड के बीचों बीच होगा. दैट मीन्स ये वाला पार्ट इक्वल टू ये वाला पार्ट होगा, या यूं कहूं ये इसका मिड पॉइंट बन जाएगा. समझ आया अभी? यस सर. ठीक है, ठीक है, सभी को समझ आ गया? परपेंडिकुलर बनाओगे तो कोड बट जाएगी आधे आधे हिस्सों में. इसी बात को मैं ये भी लिख सकता हूं कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. लिख सकता हूं. और वी कैन से दैट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी कब प्रूव होगा? जब ये गिवन होगा. और इसका उल्टा भी होगा, इसका उल्टा भी होगा. अगर ये गिवन होगा तो उससे ये भी प्रूव होगा. दोनों बातें एक दूसरे से प्रूव की जा सकती हैं. अगर परपेंडिकुलर वाली बात गिवन है तो यू कैन प्रूव दैट ये एम इसका मिड पॉइंट है ए बी का, और ए एम और बी एम बराबर है. और अगर ये बातें गिवन होगी, ए एम और बी एम बराबर, अरे यार ये ए बी गलत लिखा हुआ है भाई, कोई बता भी नहीं रहा मुझे, कोई क्यों नहीं बता रहा, ये ए बी लिख दिया मैंने, ए एम आएगा ना, ए बी कैसे होगा? ए एम बी एम ये दो हिस्से बराबर होंगे ना, ए एम बी एम. जानवी, गायत्री अपना माइक ऑफ करो.
हाँ जी समझ आया सभी को, ए एम एंड बी एम विल बी इक्वल, तो ए एम बी एम इक्वल हो तो ये प्रूव हो जाएगा, ये गिवन हो तो ये प्रूव हो जाएगा. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ठीक है, मैं नीचे ये लिख देता हूँ, देखो एंड वाइसी वर्सा. कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ सेंटर में. एंड वाइसी वर्सा का मतलब समझते हो भाई, ये चीज उल्टी भी सही साबित होगी. जो गिवन में है वो टू प्रूव भी बन सकता है, जो टू प्रूव है वो गिवन में भी बन सकता है, एंड वाइसी वर्सा. ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं प्रूफ, कैसे प्रूफ करेंगे इसको, कैसे प्रूफ करेंगे. तो प्रूफ करने के लिए पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. प्रूफ के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, फिर ही प्रूव हो पाएगा. और कंस्ट्रक्शन आप सब लोग समझदार हो, बताओ क्या कंस्ट्रक्शन होगा. कैन एनीवन से मी? बोलो, नहीं पकड़ में आए अभी भी? क्या कंस्ट्रक्शन करोगे इसको प्रूव करने के लिए कि ए एम बी एम बराबर है? एक ही तो हथियार है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंसी. कॉन्ग्रुएंसी के लिए ट्राइंगल चाहिए, ट्राइंगल बना दो. बोलो कैसे बनेंगे ट्राइंगल? रेडियाई जॉइन करो. अरे रेडियाई जॉइन करो, जॉइंट ओ ए एंड ओ बी. डॉटेड फॉर्म में करेंगे आप लोग, join OA and OB. तो कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए, join the radii OA and OB. join the radii, दोनों radii है, OA and OB. अब करते हैं प्रूफ. अब करते हैं बोलो, स्टार्ट करें. यस सर. यस सर. ओके, तो स्ट्रेट अवे लेट्स टेक द ट्राइंगल्स. तो बता दो इन दो ट्राइंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे हम. ओ ओ ओ ट्राइंगल ओ में एक एंगल 90 डिग्री है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है. इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री है, तो एक एक एंगल तो 90-90 मिल गया दोनों में. ये इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूस है, ये इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस बराबर होंगी क्योंकि दोनों रेडियस हैं, और OM OM दोनों में कॉमन साइड है. तो हाइपोटेन्यूस साइड और राइट एंगल RHS कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो जाएंगे दोनों कॉन्ग्रुएंट. यस सर. ठीक है, ठीक है, ओके सर. AM भी BM के इक्वल है क्या सर? AM भी BM के इक्वल है. और क्या गिवन है सर? AM भी BM के इक्वल है. अरे AM BM प्रूव करेगा भाई, AM इक्वल टू BM तो प्रूव करेगा, नहीं तो रिजल्ट है ना भाई. ये गिवन मान के या तो उसको प्रूव कर दे, या ये गिवन मान के उसको प्रूव कर दे, दोनों थोड़ा ना गिवन करेगा. बोलो प्रूव क्या कर रहा है फिर, मुझे एक चीज बताओ. जब ये भी गिवन कर दिया, वो भी गिवन कर दिया, तो फिर अब प्रूव क्या करेगा? तो कुछ प्रूव करने के लिए छोड़ा ही. ठीक है, ये यही तो प्रूव करना है हमको, AM इक्वल टू BM. तो इसलिए उसको गिवन पॉइंट में मत लो, उसको तो प्रूव करना है हमको, है ना. हमको ये प्रूव करना है कि अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो इस कोड को बायसेक्ट करेगी. तो बायसेक्ट करेगी दैट मीन्स AM BM बराबर होंगे. तो ये चीज तो प्रूव करनी हो गई ना कि ये दोनों बराबर होंगे. ठीक है, समझ आया? यस सर. हेयर एंड ट्राइंगल ओ एम ए, ओ एम ए एंड ओ एम बी. हेयर एंड ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी. फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों एंगल हो गए 90-90 डिग्री. एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी इक्वल टू 90 डिग्री. रीजन क्या लिख दूंगा मैं, बिकॉज ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी. तो अगल बगल के दोनों एंगल्स बन गए 90 डिग्री, OM परपेंडिकुलर AB के. एंड अब बात करते हैं हाइपोटेन्यूस की. तो हाइपोटेन्यूस इस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस कौन सी हो जाएगी? OA. उस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस कौन सी हो जाएगी? OB. हाइपोटेन्यूस OA विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस OB एंड द रीजन विल बी व्हाट? What will be the reason? बताओ दोनों क्यों इक्वल नहीं है? OA OB इक्वल रेडियाई. रेडियाई
लिख दो रेडियस है भाई, रेडियस है तो बराबर होंगी, ठीक है। चलो हाइपोटेन्यूस मिल गया, ये मिल गया, अब एक साइड चाहिए, तो OM OM दोनों में कॉमन साइड है, OM इक्वल टू OM कॉमन साइड। फ्लो चेक कर लेते हैं जल्दी से, देखो ट्राइंगल OMA लिया है तो एंगल भी OMA लिया है, ट्राइंगल OMB लिया है तो एंगल भी, तो ये तो एंगल तो बिल्कुल ट्राइंगल की फ्लो में ही चल रहा है। हाइपोटेन्यूस देखो OA तो इधर लिया, OB सेम फ्लो में है, ठीक है, और कॉमन साइड देख लो OM OM कॉमन साइड भी सेम है, तो सब कुछ फ्लो में भाई, ठीक है, ठीक है क्या? यस सर, यस सर। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड RHS congruency लगाओ और खत्म करो। सो बाय यूजिंग RHS congruence रूल, सो बाय यूजिंग RHS congruence रूल ट्राइंगल OMA इज बीइंग प्रूव्ड congruent to triangle OMB, and if they are congruent then by CPCT we can prove that key AM equal to BM or M is the midpoint of AB, दोनों एक ही बात है, दोनों बातें प्रूव हो जाएंगे, M is the midpoint of AB, ठीक है, बाय सीपीसीटी अप्रूव हो गया। ठीक है, प्रूव्ड, बोलो क्लियर है सभी को, क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है, सबने नोट डाउन कर लिया? आपके बुक की थ्योरम है, थ्योरम नंबर बता देता हूं 10.3। क्या कहा इसने? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोण बाइसेक्ट्स द कोण। देख लो भाई इसने कैसे प्रूव किया है, कुछ अलग होता हूं, सेम वही है, क्या अलग करेगा? दो OA OB तो इसने बराबर ले लिया, रेडियस है, AM BM बराबर ले लिया, AM BM बराबर ले लिया, अच्छा ये कन्वर्स है बेटा, ये कन्वर्स है, ठीक है, उसने उसको तो प्रूव ही नहीं किया, ये 10.4 आ गए यहां से, ये तो कन्वर्स है, अभी कन्वर्स की भी बात करते हैं, 10.3 तो उसने प्रूव ही नहीं किया ना, इसने सीधे 10.4 प्रूव कर दिया, तो कन्वर्स की बात कर लेते हैं एक बार, वैसे कन्वर्स इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट फिर भी स्टेटमेंट लिख दो आप इसका कन्वर्स का ना, लिखो नीचे, प्रूव नहीं करेंगे बट स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम, कन्वर्स स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। अब बताओ उल्टा क्या होगा इसका, इसका उल्टा ये होगा, अभी बताया भी था शायद मैंने, कि अगर बाइसेक्शन हो रहा है ये बात पक्की है तो एंगल 90 डिग्री बनेगा, ये चीज प्रूव हो जाएगी, इसका उल्टा यही तो होगा भाई, अभी हमने प्रूव किया कि एंगल 90 डिग्री है, ये गिवन था, और प्रूव किया कि AM BM बराबर, इसका उल्टा कर दो, अगर ये गिवन हो कि AM BM बराबर है, या ये गिवन हो कि M AB का मिड पॉइंट है, बात एक ही है, दोनों में से कोई भी बात गिवन हो, तो उससे हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो एंगल है ये 90 है, और OM जो है AB के परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा इस चीज का कन्वर्स, बताइए बोलिए, समझ आया? यस सर, ठीक है, पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट, समझ में तो आ गया, स्टेटमेंट क्या कहता है, लेट्स सी, स्टेटमेंट सेज द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, सेंटर से जो लाइन बनाई है आपने, सेंटर ऑफ ए सर्कल से लाइन बनाई है, ऐसी लाइन बनाई है कि कोण को भी बाइसेक्ट कर रही है, दैट मींस ये दोनों बराबर हैं, तो वो जो लाइन बनाई है ना वो परपेंडिकुलर है कोण के, ये जो लाइन बनाई है ये परपेंडिकुलर है कोण के, दैट मींस एंगल 90 डिग्री, ठीक है, लिख लो ऐसे कैसे छाप दो, द परपेंडिकुलर, द परपेंडिकुलर ड्रॉन, ओ सॉरी परपेंडिकुलर कहाँ, फिर से वो याद आ रही है, द लाइन ड्रॉन
थ्रू द सेंटर, सही से बताओ कितने लोगों ने लिख दिया था परपेंडिकुलर वर्ड, झूठ मत बोलना, देखो बोलो किस किस ने लिख दिया था परपेंडिकुलर वर्ड। सर मैंने तो लिख दिया था थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट ए कोड ऑफ ए सर्किल, उसी सर्किल का एक कोड बाइसेक्ट करना है, टू बाइसेक्ट ए कोड ऑफ द सर्किल। तो वो जो पर लाइन बनाई है वो लाइन कैसी होगी, इज द परपेंडिकुलर टू द कोड, इज द परपेंडिकुलर लाइन टू द कोड। वो कैसी लाइन है, वो परपेंडिकुलर लाइन है जो कि कोड पे बनी है, टू द कोड। ये हो गया साहब कन्वर्स। अब इसका जैसे कल आपने कन्वर्स होमवर्क में किया तो आज इसका कन्वर्स करो होमवर्क में, 10.4 होमवर्क मार्क करो सब लोग। कर लिया मार्क, बोलो क्या करोगे कन्वर्स में, वही फिगर बनेगा, ट्राइंगल भी वही रहेंगे, क्या क्या गिवन पॉइंट हो जाएंगे, OA इक्वल टू OB A गिवन, ये पॉइंट हो जाएगा, रेडियस है, ठीक है। दूसरा बोलो OM इक्वल टू OM कॉमन साइड हो जाएगी, और तीसरी साइड जो होगी AM इक्वल टू BM भी ले सकता हूं क्योंकि ये भी गिवन है आपकी बार, तो AM इक्वल टू BM ये गिवन पॉइंट हो जाएगा। तो तीनों साइड इक्वल हो गई तो SSS कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल OMA एक कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल OMB के। एक बार ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT से मैं ये दोनों एंगल इक्वल कर दूंगा, एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं और दोनों लीनियर पेयर भी बना रहे हैं, दोनों लीनियर पेयर भी बना रहे हैं, ऑल्सो दोनों बोथ आर मेकिंग लीनियर पेयर, इफ बोथ आर मेकिंग लीनियर पेयर देन देयर सम विल बी 180 डिग्री। अब दोनों बराबर भी हैं और दोनों का सम भी 180 है, तो दोनों कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। Therefore, angle OMA, angle OMB, both will be equal to 180 by 2, that is 90 degree. और अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, then prove हो जाएगा कि OM is perpendicular to AB. Proved. तो मैंने ही करवा दिया, क्या छोड़ा, 5% बस एक दो स्टेप्स रह गए होंगे, बाकी 95% तो क्वेश्चन मैंने ही करवा दिया। क्लियर है, कर लोगे अब तो? Yes, sir. ओके चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है सर्किल थ्रू थ्री पॉइंट्स। हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द सर्किल्स में सीखा था, क्या सीखा था कि अगर तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, अगर तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं तो उससे एक जो सर्किल बनेगा दैट सर्किल विल बी द यूनिक सर्किल ड्रॉन, ठीक है ना, वो क्या होगा, यूनिक होगा। देखो क्या कह रहा है, यू हैव लर्नड इन चैप्टर सिक्स में आपने क्या सीखा था कि दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं एक लाइन डिटरमाइन करने के, एक यूनिक लाइन डिटरमाइन करने के लिए, दैट इज देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन, केवल एक यूनिक लाइन होती है जो दो पॉइंट से पास करती है। तो एक नेचुरल क्वेश्चन अराइज होता है कि कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे सर्किल डिटरमाइन करने के लिए, लाइन डिटरमाइन करने के लिए मिनिमम टू पॉइंट्स, तो सर्किल डिटरमाइन करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे, बता दिया था मैंने, ठीक है, कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे बोलो, थ्री पॉइंट्स चाहिए होंगे मिनिमम, और तीन भी ऐसे चाहिए जो नॉन कोलिनियर हो, कैसे हो बेटा, कैसे हो, नॉन कोलिनियर। 10.5 थ्योरम यही कहती है, देयर इज वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन का मतलब पता है क्या होता है, क्या मतलब होता है वन एंड ओनली वन का, यूनिक, जो एक है वो यूनिक है, तो देयर इज यूनिक सर्किल पासिंग, एक ही सर्किल होगा, वन एंड ओनली वन सर्किल होगा जो तीन दिए हुए नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करेगा। लेट अस से मैंने कोई भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दे दिए, एक ये एक ये एक ये, मैंने कहा एक सर्किल बनाओ, तो मैं वंशिका को कहूंगा तो वंशिका एक सर्किल बनाएगी, लेट अस से वंशिका ने ये सर्किल बना दिया, मैं शिखी को कहूंगा तो शिखी भी ऐसा ही कोई सर्किल बनाएगी, यही सर्किल बनेगा, कोई अलग नहीं बनेगा उसका, यूनिक बनेगा सबका। मैं श्रेष्ठ को कहूंगा तो श्रेष्ठ भी सर्किल ट्राई करेगा तो उसका भी यही बनेगा, क्योंकि तीन गिवन पॉइंट्स, अगर पॉइंट्स फिक्स कर दिए मैंने, तीन गिवन पॉइंट्स हैं तो सर्किल यूनिक बनने वाला है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? यस सर। और इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे क्या, नहीं करेंगे, ठीक है, इस थ्योरम को हमको प्रूव नहीं करना है।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, एग्जाम्पल नंबर वन है ये, एक बार एग्जाम में भी आया था ना, ठीक है। कॉम्पस मटेरियल है क्या सबके हाथ में अभी, तो इसको खत्म करते हैं और फिर एक्सरसाइज कल करेंगे। कॉम्पस वगैरह है क्या सबके हाथ में? है। देखो क्वेश्चन क्या है, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। गिवन एन आर्क ऑफ ए सर्किल, कंप्लीट द सर्किल। क्या कह रहा है भाई, समझ आया कुछ? गिवन एन आर्क ऑफ ए सर्किल, कंप्लीट द सर्किल। क्वेश्चन समझ में आया? किस किस को समझ में आया क्वेश्चन, बोलो। गिवन क्या है हमको? एन आर्क ऑफ ए सर्किल, सर्किल की एक आर्क। आर्क क्या होती है? उसका छोटा सा टुकड़ा, उसका छोटा सा टुकड़ा। जैसे सीआईडी नहीं छानबीन करती है, मान लो कहीं मर्डर हो गया, तो जिसका मर्डर हो गया मान लो उसका एक जूता मिल गया किसी को, पुलिस को, तो फिर उससे वो पूरी बॉडी ढूंढ के निकाल लेती है, वो उसको फॉलो करती है कि ये जूता इस डायरेक्शन में है तो मर्डर यहीं हुआ होगा। तो आपको भी एक छोटा सा टुकड़ा मिल गया ये, अब आपसे कह दिया भैया पूरा सर्किल बनाओ, कैसा था सर्किल, कैसा दिखता था, पूरा बना के दिखाओ। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? यस सर। सर एक और बार समझाओ। एक और बार समझाएं तो हेडिंग डालो पहले, फिर समझाते हैं। हाउ टू ड्रॉ अ यूनिक सर्किल, यूनिक ही बनेगा। हाउ टू ड्रॉ अ यूनिक सर्किल, ठीक है, पासिंग थ्रू थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ये तो हो गई हेडिंग। हाउ टू ड्रॉ अ यूनिक सर्किल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। हेडिंग मार्क कर ली सभी ने? यस सर। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर वन के जरिए इस चीज को सीखते हैं, ठीक है। लेट अस से, अब एग्जाम्पल नंबर वन तो कह रहा है कि एक आर्क गिवन है हमको, लेट अस से ये आर्क गिवन थी हमको पीआरक्यू, आर्क पीआरक्यू गिवन थी। तो इस आर्क पीआरक्यू में मैं कहीं पर भी तीन पॉइंट्स ले लेता हूँ, कहीं पर भी ले लो, पी ले लो, आर ले लो, क्यू ले लो। तो मुझे बताओ ये अगर मैं एक आर्क पे तीन पॉइंट्स लेता हूँ तो क्या वो तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे कि नॉन कॉलिनियर होंगे? नॉन कॉलिनियर। हर हाल में वो कैसे होंगे? नॉन कॉलिनियर होंगे। अगर एक आर्क पे तीन पॉइंट्स ले लिए तो हर हाल में वो नॉन कॉलिनियर होंगे, है ना। तो बात वही हो गई कि तीन नॉन कॉलिनियर से पॉइंट्स बनाना है, या मैं यूं कहूं एक आर्क से तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स से सर्किल बनाना है, या मैं यूं कह दूं कि एक आर्क से सर्किल बनाना है, दोनों की मतलब एक ही हो गया, क्योंकि आर्क पे जब तीन पॉइंट्स लगाऊंगा तो ऑब्वियसली वो नॉन कॉलिनियर ही आर्क होंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब कॉम्पस उठाइए सब लोग और एक काम करिए, एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए, जितनी भी जैसी भी आपको ड्रॉ करनी है, लेट अस से आपने आर्क ड्रॉ कर ली, छोटी सी आर्क ड्रॉ कर लीजिए, चाहो तो इससे छोटी भी कर सकते हो, कितनी भी ड्रॉ कर लीजिए, करिए कॉम्पस से करिएगा। और इस तरीके से करिए कि जैसे ही आर्क ड्रॉ करी, आर्क ड्रॉ करने के बाद जो सेंटर यूज किया ना आपने, सेंटर, वो आप खुद ही भूल जाना कि मैंने सेंटर कहाँ यूज किया था, आपको दिखना नहीं चाहिए सेंटर आपने कौन सा यूज किया। कर दिया ये काम? यस सर। यस सर। ठीक है, सबने कर दिया ये काम? यस सर। तो मैं भी आर्क ड्रॉ कर दूंगा, लेट मी ऑल्सो ड्रॉ एन आर्क। अब मैं आर्क कैसे ड्रॉ, आपके पास तो कॉम्पस है, मेरे पास कॉम्पस नहीं है, तो मैं काम करता हूँ, लेट मी डू वन थिंग, मैं सर्किल बना लेता हूँ, सर्किल में से आर्क तोड़ लेता हूँ, फिर सर्किल मिटा दूंगा। ओके चलो, ठीक है, सही है मेरी आर्क, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है पर चलेगा। ओके ठीक है, तो ये आर्क बन गई मेरी भी, ठीक है। आप लोगों ने बना ली सबने अपनी अपनी आर्क? यस सर।
ठीक है, अब सर्किल कंप्लीट करना है. द पॉइंट इज दैट अब आर्क गिवन है, इसे कैसे सर्किल कंप्लीट करना है, परफेक्ट सर्किल बनना चाहिए. हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से. इस गिवन आर्क पे कहीं पर भी तीन पॉइंट्स मार्क कर दो, इस गिवन आर्क पे कहीं पर भी तीन पॉइंट्स मार्क कर दो. तो मैं कहता हूं एक काम करो ना, दो पॉइंट्स तो एंड पॉइंट्स पे ही मार्क कर दो. एक पॉइंट ये एंड पॉइंट्स, आर्क के जो एंड पॉइंट्स हैं, दो तो यही मिल गए, और एक कहीं बीच में मार्क कर लो. लेट अस से ये वाला पॉइंट मार्क कर देता हूं मैं. तो पी क्यू आर, पी क्यू आर मार्क कर लिए तीन पॉइंट्स. वैसे तो आप कहीं पे भी मार्क कर सकते हो, जरूरी नहीं है जहां मैंने बताया वहीं करो, आपकी कहीं और इच्छा हो रही तो वहीं भी कर सकते हो. गए तीन पॉइंट्स मार्क सभी के, बोलो. तो अगर क्वेश्चन ये कहे ना कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से सर्कल कंप्लीट करो तो भी यही काम करना है, और क्वेश्चन अगर ये कहे ना कि एक आर्क से सर्किल कंप्लीट करो तो भी यही करना है. ठीक है, आगे क्या करना है, इन तीन पॉइंट्स को कनेक्ट करके, इन तीन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करो, मतलब दो लाइन सेगमेंट्स बनाओ, एक पी को आर से ज्वाइन करके और एक आर को क्यू से ज्वाइन करके. सबने कर लिया इतना काम, इतना काम सबने कर लिया. यस सर, यस सर. ओके, अब सुनो ध्यान से. अब जैसे आपने ये दो लाइन सेगमेंट्स कनेक्ट करी पीआर और आरक्यू, जरूरी नहीं है दोनों बराबर हो, ऐसे मत सोचना कि दोनों बराबर ही कनेक्ट करनी है, आर को सेंटर में लेना जरूरी है, ऐसा नहीं काम है. आर को आप यहाँ पे भी ले सकते हो, ये लाइन सेगमेंट छोटी और वो बड़ी भी बना सकते हो, कैसे भी कर सकते हो. ठीक है, मुझे तो एक चीज बताइए, जो ये पीआर और पीआर और क्यूआर बनी, ये उस सर्किल की क्या कहलाएंगी या इस आर्क की क्या कहलाएंगी, क्या कहलाएंगे? कोर्ड्स. वेरी गुड भाई. सर्कल कंप्लीट होने के बाद ये जो दो लाइन सेगमेंट, मान लो सर्कल कंप्लीट हो गया, तो ये इसकी कोर्ड्स कहलाएंगी नहीं कहलाएंगी? तो मैं कह सकता हूं कि ये आपने जो ड्रॉ किया ये कोर्ड्स ड्रॉ कर, आर्क की भी कोर्ड हो सकती है, ये आर्क की कोर्ड है, सर्कल की नहीं, तो क्या है, ये आर्क की कोर्ड. अब क्या करना है, अब अपने को दोनों कोर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. किस किस को बनाने आते हैं बोलो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिखाया था कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में और पिछली क्लासेस में कई बार बना चुके हो. याद है किसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है विद द हेल्प ऑफ कॉम्पस? यस सर. कैसे? दोनों पॉइंट पे एक एक बार एक एक बार सेंटर यूज करेंगे उनको, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे काटते हैं. हाँ, और रेडियस क्या लेनी है? More than half of the side. चलो भाई, सक्षम को तो याद है. तो सपोज करो मैं PR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक एक करके बनाओ, पहले PR का बनाओ. तो PR का अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा, तो कॉम्पस उठाइए, PR की लंबाई का मोर देन हाफ ले लीजिए, रेडियस कितनी भी ले लो, बस इसकी मोर देन हाफ होनी चाहिए. अब एक बार P को यूज करो सेंटर, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर आर को यूज करो सेंटर, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, इन दोनों को मिला दीजिए, तो ये लाइन जो होगी इस पी आर की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी. यस और नो? यस. बनाओ बनाओ, ये बन गया मेरा, तो अपना अपना देखो आपका बना कि नहीं बना. थोड़ा लंबा भी बना दोगे तो कुछ चलेगा, जरूरी नहीं कि छोटा ही बनाओ. सर सर्किल के बाहर जा रहा है, चलने दो, अगर सर्किल के बाहर भी जा रहा है तो भी चलेगा. अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाए तो एक बार नाप लेना 90 डिग्री पे इंटरसेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होती है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो 90 डिग्री पे इंटरसेक्शन हो, परपेंडिकुलर हो, प्लस बाइसेक्टर भी हो. बाइसेक्टर होने का मतलब हो गया कि ये और ये बराबर भी होने चाहिए, मतलब ये मिड पॉइंट होना चाहिए इसका. चलो मिड पॉइंट तो आप अभी नहीं नाप पाओगे, पर ये जरूर नाप लेना कि 90 डिग्री है कि नहीं है. डॉटेड फॉर्म में कनेक्ट करना, जो आर्क्स आपने बनाई है ना ऊपर नीचे, ये और ये, ये और ये. तो
अब इन दोनों के बीच में जो ये लाइन सेगमेंट बनाओगे ना परपेंडिकुलर एक्सिस को डॉटेड फॉर्म में कनेक्ट करना लाइक दिस। बोलो इतना काम हो गया सभी का? अब आर क्यू का बनाओ, अगर पी आर का हो गया तो आर क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, वही सेम प्रोसेस, मोर देन हाफ लो और आर्क काटो ऊपर नीचे। Like this. अगर अपन प्रूव करेंगे तो प्रूफ सेक्शन में लिखना पड़ेगा कि अपन ने ऐसे करा इसको, कंस्ट्रक्शन का पॉइंट्स। प्रूव नहीं आता इसका कभी भी, इसका प्रूव एक्चुअली अनऑर्थोडॉक्स तरीके से होता है, अगर करना चाहो तो एक्टिविटी लेके होता है कि पहले दो पॉइंट्स लो, दो पॉइंट से देखो कितने सर्कल पास होते हैं। अभी आपने देखा हो तो मैंने जल्दी से स्क्रॉल कर दिया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं था, उसमें उसने एक्टिविटीज कर रखी थी, पहले दो सर्कल से बनाया फिर तीन सर्कल से बनाया, तो नहीं आएगा वो एग्जाम में, वो एग्जाम मैटर नहीं है, वो बस आपको याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो ये बन गया भाई इसका, ये बन गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसको भी डॉटेड फॉर्म में बना देना। हाँ जी, इतना काम हो गया क्या? दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बन गए। सारे बच्चों ने बना लिए? यस सर, बन गए। ओके, अब ये दोनों बाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे कोई पॉइंट दिख रहा होगा सबको, अपने अपने फिगर में देखो, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला होगा दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का। यस सर। भैया ये पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये क्या है पता है? ये बड़ी तगड़ी चीज है, ये है सेंटर ऑफ द सर्किल। क्या है ये? क्या है ये? बोलो सेंटर। अच्छा जी सौम्या, बताओ सर्किल बनाने के लिए कौन सी दो चीजों की जरूरत होती है? कौन सी दो चीजों की जरूरत होती है जिसके बिना सर्किल नहीं बन सकता? मतलब उसके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं सर, रेडियस और सेंटर ऑफ द सर्कल। वेरी गुड, वन इज सेंटर, अनदर इज रेडियस। दो में से एक तो आपने पता लगा लिया, सेंटर तो पता लगा लिया, अब रेडियस कैसे पता करें? अरे क्यों पता करते हो, रेडियस नाप लो। कॉम्पस को रखो यहां और इसके तीन पॉइंट्स है ना, पी आर क्यू, कहीं पर भी पेंसिल रख के इसको फीड कर लो अपने कॉम्पस के अंदर इस रेडियस को। यहां तो सेंटर को रखो, या तो पी पे रख दो या क्यू पे रख दो या आर पे रख दो, तीनों में से कहीं पर भी पेंसिल को रखो तो रेडियस फीड हो जाएगी। एक बार रेडियस फीड हो गई, घुमा डालो, सर्किल कंप्लीट। समझ आया? यस सर। ये मिल चुका है सेंटर, सेंटर मिल गया, रेडियस नाप लो, फीड कर लो, सर्किल कंप्लीट करो, कर दो जल्दी से। लो मैं भी कर लू मेरा सर्कल कंप्लीट, आप भी कर लो। तो मेरा सर्कल तो हो गया कंप्लीट, आप लोगों का हुआ? यस सर। ओके ठीक है, तो होपफुली समझ में आ गया होगा कि गिवन आर्क से सर्कल कैसे बनाते हैं सबको अभी। ठीक है, और कल को आपको तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से सर्कल बनाने के लिए कहे तो भी ऐसे ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? वही कनेक्ट करके पहले कोड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सेंटर मिला, रेडियस नापेंगे, घुमा देंगे कॉम्पस को, बन गया सर्किल। अब जस्टिफिकेशन की बात करते हैं कि ये इसका सेंटर क्यों और कैसे बना। भाई ऐसा जादू कैसे हो गया सर कि ये सेंटर मिल गया हमको, हमको तो पता ही नहीं था ये सेंटर है। अच्छा आपने जब बनाया होगा
तो कॉम्पास को यहाँ रखा होगा तो हल्का सा मामूली सा पेपर के अंदर हल्का सा छेद हो जाता है, तो आप मैच करो कि आपका जो छेद हुआ था वो वहीं पे आ रहा है सेंटर या नहीं आ रहा है। Yes, sir. नहीं आ रहा है? तो वहां कैसे पहुंच गए आप? आपको तो पता ही नहीं था सेंटर है, कैसे पता लगाया? तो जस्टिफिकेशन की बात करते हैं कि इस चीज को जस्टिफाई कैसे करोगे कि सेंटर है। देखो हमने क्या कहा था अभी अभी पिछले टॉपिक में कि सेंटर से जब अपन एक लाइन परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो उस कोड को बाइसेक्ट करती है। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? बोलो बोलो। यस सर। सेंटर से अगर मैं एक परपेंडिकुलर बनाता हूं तो वो कोड को बाइसेक्ट करती है। सेंटर से मैंने इधर भी परपेंडिकुलर बनाई तो वो भी कोड को बाइसेक्ट करेगी। सुनो ध्यान से, अगर मैं यूं कहूं कि भाई, मतलब कन्वर्स कहूं मैं, अगर मैं यूं कहूं कि भैया ये तो बाइसेक्ट भी हो रही है और ये परपेंडिकुलर भी है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मैं यूं कह सकता हूं कि इस कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं भी जा रहा होगा सेंटर से गुजरते हुए जरूर जा रहा होगा। बोलो, कह सकता हूं कि सेंटर से गुजरते हुए जा रहा होगा? बोलो, कह सकता हूं ना? Yes, sir. और सेंटर से गुजरते हुए अगर मैं इसको उस पार ले जाऊं तो ये चीज डायमीटर बनेगी। वैसे मैं लेके नहीं गया क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, बट अगर मैं इसको सेंटर से गुजरते हुए अगर कोई कोड जाती है, कौन सी कोड होती है जो सेंटर से गुजरती हुई जाती है? डायमीटर होती है। कौन सी ऐसी कोड? तो ये डायमीटर हो जाएगा इसका। सिमिलरली ये भी परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, तो ये वाली जो कोड है, ये वाली कोड भी सेंटर से गुजरती हुई जाएगी तो ये भी डायमीटर हो जाएगी। और कॉमन सेंस की बात है बेटा कि दो कोड्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंटर होता है किसी भी सर्किल में, इसमें नहीं, किसी भी सर्किल में अगर दो कोड्स बना दो कहीं भी, लेट से एक कोड ये बना दी एक कोड ये बना दी, तो कोड्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो हमेशा सेंटर ही होता है। डायमीटर बना दूं, दो डायमीटर बना दूं मैं, तो डायमीटर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंटर ही होता है। समझ आया? Yes, sir. That is why it is the center of the circle. ठीक है, आप हल्का से मार्क भी कर लेना, ये जो O है, this is the center. Center. चलो फाइन, तो 10.3 से पहले का काम कर लिया है सारा, कल 10.3 खत्म करेंगे। ओके, काफी आज के लिए। कितने होमवर्क हो गए आज के, कितने क्वेश्चन होमवर्क हो गए? बोलो, थ्री। तीन हो गए? कौन कौन से? दो ही तो है। टू हो गए, एक तो उस एक्सरसाइज में से 10.2 में से उसका कन्वर्स और एक थ्योरम का कन्वर्स, दोनों कन्वर्स कन्वर्स है होमवर्क में। ठीक है? यस सर। ओके, चलो तो आज के लिए काफी है, बाकी कल देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।